करोड़पति गैलवे परिवार ने दिए, गलेज ने दिए। इसके लिए भी मेरा सौभाग्य है कि मैं सबसे ज्यादा, सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा करोड़पतियों के साथ में बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से जय गैलवे, जय जय गैलवे। तरफ जी सर, मैं अभी बताया, मैं पता नहीं सोचा था मैं इसको हिडन करूं या कैसे करूंगा, बट आदेश है तरफ जी सर का। रियल में मैं 3 साल मेरे परिवार से अलग था, कैसा था क्या था वो नहीं मैं बताऊंगा, बट वापस जो आया हूँ उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या मिला है, कैसे मिला है वो थोड़ा सा मैं अपने साथियों को जरूर बताऊंगा। अभी जैसे जब हम अपने परिवार से अलग हुए कुछ टाइम के लिए, तो मैं बैठा नहीं था, काम ही कर रहा था किसी एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ। वहां के अनुभव कुछ अलग रहे हैं, बट वापसी का भी कारण यही बनना कि मैंने पाया है जब मैं मेरे परिवार से अलग हुआ था, ग्लेज कंपनी से अलग हुआ था, तो मेरे को वो चीजें नहीं मिल रही थी जो मेरे को चाहिए थी। कोशिश तो यही की थी कि वहां पे वो चीजें मिलेंगी, बट नहीं मिल पाई। एक बहुत बड़ी बात है सरब जी सर और सभी साथियों को मैं बोलना चाहूंगा कि मैं मार्च में आया था, 26 मार्च को दोबारा मैंने गैलवे का आंचल थामा था, ग्लेज कंपनी का साथ मैंने लिया था 26 मार्च 2021 को, और मार्च का जो मेरा चेक था वो था मात्र 20,000 रुपए का। तो हमारे स्टाफ ग्लेज का, एक तो मैं ग्लेज के स्टाफ को बहुत सैल्यूट करना चाहूंगा, बहुत कोऑपरेटिव है वो, तो उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके साथ बैठ के मैं बात कर रहा था जब मेरा पहला चेक आया था 20,000 का, तो उनको मैंने एक बात बोली थी कि दिसंबर से पहले ये चेक मेरे को 1,00,000 रुपए का चाहिए। तो उस समय उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, या तो विश्वास वाली मुस्कान होगी या वो दूसरी मुस्कान होगी कि बहुत देखे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको भी लंबा टाइम हो गया है। तो बट मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरे को विश्वास था मेरे को मेरे अनुभव के ऊपर और हमारे प्लान के ऊपर, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था हमारे ग्लेज के ऊपर, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। और उसके बाद अप्रैल का मेरा चेक 30,000 का गया, मई का मेरा चेक 64,000 का गया लगभग, लेकिन अब मई के बाद जून में थोड़ा सा डाउन गया, बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ, 39,000 39,000, वो फिर जुलाई में बढ़ा 45,000, अगस्त में 63,700 का चेक गया, सितंबर में 49,000 का चेक गया। और मैं एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहूंगा मेरी अपलाइन को, मिस्टर सरबजीत सर, चेतन सर, संजीव सर को, कि जिनके डिजाइन किए गए प्रोडक्ट से, प्लान से, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स जो हमने अगस्त में जोड़े हैं ये उसका भी बहुत बड़ा रोल है इतना बड़ा चेक होने में। और जो मेरा चेक का अमाउंट गया है वो है 1,19,773 रुपए। थैंक यू गैलवे, थैंक यू ऑल अपलाइन, और थैंक यू मेरे परिवार के सभी साथी जो गैलवे परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, मैंने जब मेरा ये इंसेंटिव 24-25 तारीख को दिखाई दिया ना, तो मैं उतावला था मेरे बेटे से बात करने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा ऑफिसर है मंत्रालय में, तो मैं के सबसे पहला मैं उसी को शेयर करूंगा। तो जब मैंने मेरे बेटे को चेक दिखाया, उससे पहला कोई चेक मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि वो दोबारा से मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव होने से नाराज था। वो कहता था कि अब छोड़ो, अपने बहुत सारा काम कर लिया, बैठो आप घर में। तो उससे पहले के चेक मैंने उसको शेयर नहीं किए। तो जब मैंने उसको दिखाया ये मेरा अक्टूबर का चेक, तो वैभव मेरे चेहरे की तरफ को देख रहा था। उसने कई बार तो संख्या को गिना कि ये कहीं ये जो ये 19,000, ये मतलब 11,000 कुछ है या 1,19,000 है। मैंने कहा भाई ये चेक मेरा, बेटे ये चेक मेरा सच में 1,19,773 रुपए का है। और सरबजीत सर, अगला सवाल पता क्या था वैभव का? वैभव ने मेरे को बोला कि पापा क्या ये चेक हमेशा आएगा या एक ही आया है? एक सवाल। और दूसरा सवाल ये था कि पापा मार्च से अक्टूबर तक का टोटल मिला के आया ना 1,19,000? मैं कह नहीं, ये प्योर अक्टूबर का चेक है मेरा। और साथियों, जिस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ, मेरी टीम के बहुत सारे लोग ना, जब हमने अगस्त में जब हमारा प्लान आया ना, मतलब अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, तो बहुत सारे लोगों के माथे में सलवटें पड़ गई
तो सारे लोगों ने मेरे को बोला सर क्या है मैचिंग इनकम, ये मैचिंग इनकम का क्या फायदा होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं यहाँ पे सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मेरा चेक जो है ना, अगर हमारा प्लान यही प्लान पे अगर मैं काम कर रहा होता अगस्त से पहले, तो मेरा चेक टोटल होना था 84,000। अगर इसी प्लान पे इतना ही बिजनेस में डालता मेरे पूरे ग्रुप से, तो मेरा चेक बनना था 84,517 रुपए का। यानी कि मेरा चेक जो बढ़ा है वो है 35,256 रुपए बढ़ के चेक आया नए प्लान के अकॉर्डिंग। सर वैसे तो देखो हम अगर बोलते हैं ना एक्स्ट्रा बीवी की अगर कैलकुलेशन करते हैं, वहां की परसेंटेज पे नहीं मैं जाना चाहूंगा, मैं टोटल जो दो इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लान में जुड़े हैं उनकी अगर बात करूंगा तो ये चेक लगभग 50% बढ़ा है, क्योंकि 84,000 से 119,700 रुपए का चेक जाने का मतलब है 35,000 रुपए का बढ़ने का मतलब है लगभग ये 50% के अराउंड गया है, बढ़ा है। तो ये बहुत रियल में हमें सैल्यूट करने की जरूरत है हमारे इस प्लान को और उन लोगों को जिन्होंने इस प्लान को डिजाइन किया है। और इसमें इसमें जो एक्स्ट्रा बीवी का जो खेल है, इसमें मैं दोनों को अलग अलग बताता हूँ। 35,000 में इसमें 25,775 रुपए का इनकम है मैचिंग इनकम से, जो मेरा साथी मेरी टीम का हिस्सा थे वो जो बोल रहे थे कि मैचिंग इनकम से होगा क्या, सर जब उन्होंने कैलकुलेशन करके देखा ना, दरअसल उन्होंने कैलकुलेशन कैसे किया, 3,000 SBV का उन्होंने 11% निकाला तो 330 रुपए होता है। अभी बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे हैं जो टॉप के लीडर्स हैं, अभी वो उस चीजों में जा ही नहीं पाए हैं कि ये हमारा अलग से क्लब है, हमारा पूल है ये अलग से। वो 330 नहीं, वो लगभग सच में जो लिखा गया था वो अराउंड 450 के करीब जाता है एक पेयर का। और एक चीज से मैं और बता दूं, बहुत सारे लीडर्स वहां तक जा नहीं पाए। अभी 4 दिन पहले ऑफिस में एक बहुत बड़े लीडर के साथ मैं बैठ के बात कर रहा था, मैंने उनको एक बात बोली कि आज से पहले जब हम 600 पीवी जनरेट करते थे तो उसके बीवी हमें मिलते थे मात्र 3600, बट अब वो बीवी हमें मिल रहे 5800, क्योंकि 3000 बीवी हमारे जाते हैं मैचिंग इनकम में और 2800 से ऊपर बीवी हमारे जाते हैं जनरेशन प्लान में। Yes. तो फ्रेंड्स अगर आप इस चीज को सोच के चलेंगे ना कि 600 पीवी के पहले हमें सिर्फ 3600 बीवी मिलते थे, आज उन्हीं 600 पीवी के हमें मिल रहे हैं 5800 बीवी, उनका हमें पे आउट आ रहा दोनों जगह से, बस हमें इसको समझने की जरूरत है। तो 25,775 रुपए मैचिंग इनकम से मेरे को आया है और लगभग 9,481 आया एक्स्ट्रा बीवी से, जबकि मेरा जो बढ़ा है ना बीवी वो 17% लगभग बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट चेक पे फर्क डाला है उसने, 9,481 रुपए का चेक मेरा एक्स्ट्रा बीवी से आया है। और जैसे सर अभी बात बोल रहे थे, मैंने भी लॉकडाउन के 2 सालों में एक्स्ट्रा पीवी का बहुत मजा चखा है, लेकिन प्रमोशन के रूप में। हम इकलौता ब्रांड है, हम इकलौती कंपनी है जहां सार्थक किया एक्स्ट्रा पीवी को, कि एक्स्ट्रा पीवी तो हम दे ही रहे हैं बट हम एक्स्ट्रा बीवी भी दे रहे हैं जो हमारे प्रमोशन में भी काम कर रहा है और हमारे चेक को भी बढ़ा रहा है। ये रियल में आगे तो पता नहीं कितनी कंपनियां हमें कॉपी करने वाली हैं, लेकिन आज की तारीख में गुना भाग सारी कंपनियों ने करना शुरू कर दिया है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हम कैश लॉयल्टी कैसे दे पाएंगे और ये एक्स्ट्रा बीवी कहां से दे पाएंगे। लेकिन सैल्यूट बनता है उन सभी डायरेक्टर्स को जिन्होंने ये प्रोविजन 2003 को ही रख लिया था, उस समय हमारे पास ये प्लान की रूपरेखा भी नहीं थी, क्योंकि हम इकलौता ब्रांड थे जो 114% लेके चल रहे थे। हमने किसी का कम नहीं किया है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ घटाया नहीं है, उसी में से हमें दिया है, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले टाइम में। बस हमें इसको समझने की और समझाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स हम एक बहुत बेहतर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। कल भी मेरा एक बहुत अच्छे हमारे स्टाफ से बात हो रहा था जो रात दिन हमारे साथ लगे रहते हैं, मैंने उनको एक बात बोली थी कि मैंने बहुत सारी चीजें सारी लायबिलिटी अपनी पूरी कर दी है। रियल में मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं,
दोनों नहीं बल्कि चारों, बेटा बहू और बेटी और दामाद, चारों सरकारी पदों पे, उच्च पदों पे नौकरी कर रहे हैं। मैं 50 साल की एज है मेरी, अभी जवान हूं मैं, अभी लगभग 25 साल की पारी खेलने के लिए तैयार हूं सरब जी। सर भगवान ने स्वास्थ्य ठीक रखकर वो रखेंगे भी, वो क्योंकि मैं कर्मठ हूं, भगवान को भी मेरे से काम लेना है। 100 बार होगा, 75 नहीं सेंचुरी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा एक सर मलाल है मेरे दिल में, रियल में। ये मैं मेरे सभी उन लीडर्स को बताना चाहता हूं, मैं आज के बाद, और आप मेरा मेरे को टोक देना जब भी मैं गलत चलता हुआ मिलूं, चाहे वो आयु में मेरे से कितना भी कम है, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो यहाँ पे सीढ़ी, चाहे वो आज 5% पे भी है, वो रोक के मेरे को टोक देना कि मैंने क्या बोला था उस दिन जूम पे आके। मेरा एक मलाल है सर, एक इच्छा है मेरी कि 2 साल के बाद, बस ज्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं है इस बात के लिए, 2 साल के बाद मैं गैलवे का जब कोई नाम लेना, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा हो चाहे वो अदरवाइज हो, जब वो गैलवे का नाम उसकी जुबान पे आए तो एक रेस्पेक्ट के साथ आए। हम एक ऐसा स्तंभ बनाना चाहते हैं हमारे परिवार को, हमारे गैलवे परिवार को। ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, हमें हमारी चीजों की बारीकी को समझने की जरूरत है कि जो कंपोनेंट्स प्लान में हमें मिले हैं उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, हमारे परिवार को कैसे दे सकते हैं। तो मेरा एक तमन्ना रहेगी सर, एक बहुत बड़ा सपना मेरा है इस समय कि 2 साल के अंदर मैं गलेज परिवार का, गैलवे परिवार का लोगों की जुबान पे वो नाम सुनना चाहता हूँ, जो सपने हमने आज से 18 साल पहले देखे थे वो सुनना चाहता हूँ। उसका हमने शुरुआत कर दी है, हम सब लोगों को क्रेडिट जाता है उसका कि एक शानदार सुपर स्टोर हमें पहला मिला है दिल्ली में, ये पौधा लगाया है जहाँ की शाखाएं अभी पूरे भारत में जाने वाली है। हमारे कुछ साथी नहीं जानते हैं लेकिन सरब जी सर, हमारे दाहिने हाथ पर बाएं हाथ पर हमारे जबरदस्त विरोधी बैठे हैं, उनका स्टाफ रोज सर्च करके जाता है हमारे सुपर स्टोर में रोज, और वो आते तो कुछ और वजह से है, बट वो सबसे पहले आते ये बोलते हैं कि आपकी आज की सेल कितनी है। और कमाल की बात ये है कि अभी हम जुम्मा 8 दिन हमें हुए, 1 महीना कंप्लीट हुआ हमारे सुपर स्टोर को, बट हमने उन दोनों सुपर स्टोर की काउंटर सेल को मैच कर लिया है लगभग। इसका क्रेडिट मेरे हमारे परिवार के सभी लोगों को जाता है। ट्रस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, हमारी अप्लाइंस के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। मैं सर, मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, बहुत सारे कंपनी के मालिकों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अभिभूत था 26 मार्च को जिस दिन चेतन सर ने 18 साल कंपनी को रन करने के बाद भी सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक तक खड़े होके टीम के लीडर से बात किया। उस दिन मेरे को समझ आ गया था कि इनकी नियत बहुत आगे है, हम सोच नहीं सकते जहां ये इस ब्रांड को लेके जाने वाले हैं, हमारी सोच वहां अभी नहीं जाएगी। और अभी एक जो आपने जिक्र किया था ना सर, दो तीन दिन पहले आपने जो मेरे को बताया था, तो वो उसको मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूंगा कि हम हमारे जो सप्लीमेंट है उसके साथ इस तरह की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, अल्टीमेट है सर। वो मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर जितना जल्दी वर्क हो जाए वो कर लीजिएगा सर, वो भी हमारे अलावा कोई नहीं दे पाएगा, इतनी जल्दी नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि जैसे ही हम हमारा कोई सप्लीमेंट खरीदे और उसके लिए हमें हमारी अपलाइन के पास भी जाना ना पड़े, उसे नहीं वो सप्लीमेंट ही हमें बताए कि मेरे को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ रोकना है। तो सरब जी सर, आपको मेरा सैल्यूट है कि आपकी सोच अल्टीमेट है, आप कहाँ तक सोचते हैं और कितना बेहतर सोचते हैं, ये सच में मैं 3 सालों के बाद मिला हूं ना सर, मैंने आपकी उम्र कम होते देखी है और ज्ञान बहुत आगे जाते हुए देखा है। सर आपका साथ हमें ऐसा ही मिलता रहे, आपकी एजुकेशन हमें ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू गैलवे, थैंक यू ऑल लीडर, और थैंक यू ये कंपोनेंट जो हमारे प्लान में नए मिले हैं, जिन्होंने हमारी खुशी को 4 चांद लगाए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जी, मैं कल कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ जो मेरा ये मानना है कि आपको और पूरी टीम को, मतलब हमारे सारे गैलवेंस को बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला है, और एक जश्न की तैयारी हो रही है जनवरी मंथ के अंदर, बहुत बड़े जश्न की।
थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि दिसंबर मंथ का चेक का टारगेट क्या है, आप कितने का चेक बनाने जा रहे हैं? सर जो चेक मेरा अक्टूबर का आया है 1,20,000 समथिंग का मेरा चेक है, मैं बहुत बड़े बात नहीं बोलूंगा बट हाँ लगभग 50% इसको इंक्रीज करूंगा मैं दिसंबर के चेक में। यानी कि आप कह रहे हैं करीब करीब आपका चेक जो है 1.5 से 2 लाख के बीच में जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, इसको लिखेंगे।